विपक्ष के कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। राहुल गांधी की ईडी वाले पोस्ट पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद डोला सेन है। मैम, राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया है कि हमारे पीछे जो है ईडी रेड डालने वाली है, उनके सोर्सेज ने बतलाया, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है, लोकसभा में एलओपी भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके ट्वीट के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ यही बोलेंगे कि मोदी जी लेड एनडीए गवर्नमेंट की भी मुद्दा मोदी है तो मुमकिन गवर्नमेंट की जैसा भी है कि विपक्ष की बात पसंद ना हो तो ईडी सीबीआई आईटी एनआईए भेज दें। तो क्या टीएमसी के खिलाफ ईडी लगी हुई है, ये कहना चाह रही हैं आप लोग? ये तो सबको जानकारी में है, टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी के बहुत सारे सांसद को, लीडर्स को उन्होंने पहले भी जेल भेजे थे, कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, उसको एक्विटेड करना पड़ा। अभी भी भेज रहे हैं, फिर भी भेजेंगे, कुछ नहीं प्रूफ कर पाएंगे, फिर भी एक्विटेड हो जाएगा, फिर भी ये करते रहेंगे पॉलिटिकल रिवेंज के लिए। आप सोचिए ना, 3 बरस तक वो आवास योजना वाली, एमजी नरेगा वाली पैसा भी नहीं दिया, सिर्फ पॉलिटिकल रिवेंज है। क्यों नहीं जीता 21 में? चलो, क्यों नहीं जीता 24 में? चलो, पॉलिटिकल रिवेंज है बंगाल से, क्या करना है। लेकिन मैम, बीजेपी ये कह रही है कि अनुराग ठाकुर का जवाब नहीं दिया इसलिए राहुल गांधी लोगों को झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। बीजेपी जो जी चाहे बोल सकते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साथ जो है पीपल को पता है, इसीलिए ना वो 303 से 240 में आ गया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं हो पाया, पीपल को पता है। थैंक यू मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। पूर्णिया से हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी बात करने के लिए हैं। पप्पू यादव जी, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आज ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से उन्होंने सदन के भीतर चक्रव्यूह वाला बयान दिया था, उसके बाद उनके पास ये जानकारी है कि ईडी उनके पास पहुंच सकती है, ईडी की कार्रवाई जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले भी कई घटना, कई कार्रवाई हुए हैं। कार्रवाई तो ईडी सीबीआई का तो निजी हमले के साथ ही ना, जब भी कोई विपक्ष पर होता है। अब शरद पवार जी के लिए अलग कानून है, अजीत पवार जी के लिए अलग कानून है, ठीक, जगन के लिए चुनाव के पहले कुछ और कानून था, चंद्रबाबू नायडू के लिए कुछ और कानून हो गया, इसी तरह नवीन जी के लिए अलग कानून हो गया, ममता दीदी के लिए कभी कानून बदल जाता है, कभी कानून बन जाता है, अलग हो जाता है, कभी नीतीश जी के लिए कानून बदल जाते हैं, कभी बन जाता है। तो जो तरीके हैं ईडी सीबीआई के, बिल्कुल एक स्टूल बन चुका है। यदि आप किसी सत्ता में उच्च सिरसत पर बैठे लोगों के खिलाफ कोई बात करते हैं, या संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं, या आप देश की आवाज़ बनते हैं, या आप देखिए राहुल गांधी जी जब मौत से नहीं डरते हैं तो आप किससे वो डरेंगे, किस चीज़ से डरेंगे? आपको लगता है कि राहुल गांधी और जो शहादत जिस परिवार की हुई है इस देश के लिए, वो कभी डरेगा? ईडी सीबीआई छोड़िए, 20,000 किलोमीटर जो देश की आवाज़ वो लगातार चल रहे हों, तो वो डर नाम की चीज़ तो ख़त्म। जहाँ मौत से डेली जिसको सामना के लिए तैयार हो, वहाँ डर हो राहुल गांधी जी को, ये तो लोग भूल जाए। एक दूसरी बात, जब निजी हमले आप कीजिएगा, जैसे एस्पंज किए हुए वीडियो को देश के पीएम ने ट्वीट कर दिया, देश के पीएम ने ट्वीट कर दिया, तो आप हमको बताइएगा ना कि एस्पंज किए हुए वीडियो के निजी हमले हो गए ना, और जब आप किसी के बाप दादा नाना जनों जात पूछने लगिएगा, जनों क्यों कैसे पहनते हैं, तो कौन क्या पहनता है, ब्राह्मण है कि नेपाली, ये बताओ कौन है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो इस तरह की बातें होंगी। तो जब निजी बातें होंगी, हमले होंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा, ये बातें तो आएगी। अच्छा, विपक्ष में एक गंभीर जिम्मेदार विपक्ष है, अब तो विपक्ष तो कोई डरेगा नहीं इनसे, और विपक्ष के पास भी तो जानकारी होती है, बिना जिम्मेदार बयान यदि है तो जानकारी तो होगी। तो निश्चित रूप से आप जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, शंका की है, तो दिखता है देश में क्या हो रहा है,
कोई भी यदि एक दो व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो मरेगा। लेकिन सरकार की ओर से तमाम जो नेता है, खासतौर पर गिरिराज सिंह की बात करें तो उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं वहां पर इस तरह के बयान देना अपने आप की जिम्मेदारी है। सवाल पूछ सुन लीजिए मेरा। उन्होंने कहा है कि संसद में आए राहुल गांधी और इस चीज को प्रूफ करे कि किस अधिकारी ने उनको ये जानकारी दी है। भैया अब यही काम बच गया, ये लोग तो बेतुक बात सदन में भी बैठे बैठे करते हैं। अब इन लोगों का कोई बयान का वैल्यू है? ये सब दया और कृपा के पात्र हैं, सब ना समझ लोग हैं। आपको लगता है ईडी सीबीआई सरकार का टूल बन गई है इनको? हाँ बिल्कुल, ईडी सीबीआई तो एकदम टूल है ही, किसी एकदम टूल है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र रही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कर सकती है, किसी को फंसा सकती है। ईडी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भैया, वो पैसा फेंको तमाशा देखो। आप जहाँ मैनेज करना चाहिए ईडी को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल। और सरकार मैनेज करती है? सरकार भी मैनेज करती है और पूंजीपति उद्योगपति भी मैनेज करता है, पैसे वाले भी। आज जिन लोगों के बयान के बारे में बोलते हैं ना, बिना पेंदी का लोटा, ये लोग ना घर के ना घाट के अनुकंपा पर चुनाव जीतते हैं और बोलने का मंत्री बन जाते हैं, गाली गलौज करने के लिए ही मंत्री बनते हैं, ये आप समझ लीजिए। इनका पोर्टफोलियो ही है एक दूसरे को गाली गलौज करना, गाली देते रहो, बयान देते रहो दूसरों को। जितना निजी हमले करेंगे उतना मंत्रिमंडल में रहेंगे। एक काम तो मंत्रिमंडल में रह के आज तक बिहार का किया नहीं, बिहार का एक मिनट का भला तो हुआ नहीं। अब इन लोगों से आप और क्या अपेक्षा कीजिएगा। हमसे बातचीत करने के लिए साफ तौर पे गिरिराज सिंह के बयान को लेकर पप्पू यादव का कहना है कि गाली गलौज वाले मंत्री हैं, इनका कोई जो है स्टैंड नहीं है, ये पलट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब सियासत सदन के भीतर और सड़क पर देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि उनके बयान के बाद ईडी की कार्रवाई उन पर हो सकती है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम की सांसद महुआ मांझी है। मैम, राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे सूत्र ने बताया है कि हमारे पीछे ईडी रेड डालने वाली है, क्या कहेंगे? उनका शक सही हो सकता है क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी लोकप्रिय नेताओं को परेशान कर रही है, हमारे झारखंड में माननीय सोरेन 5 महीने तक ना किसी वजह की जेल में रखा, लोकसभा इलेक्शन के दौरान जनता से मिल ही नहीं पाए, जिस तरह से उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ ईडी के माध्यम से परेशान करना था, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कह दिया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और उसी आधार पर उनको बेल मिला है। और बाकी आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने पर ये भी सच्चाई सामने आई है कि जिन जिन लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, बाद में वो चंदा देकर फिर आयात घूम गए। तो ये सब इस देश में लगातार चल रहा है। राहुल गांधी जी को पहले भी परेशान किया गया है, उनसे तो घर तक खाली करा दिया गया है, तो इसलिए उनका शक हो सकता सही हो, क्योंकि अभी 4 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के पहले ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं जनता के सामने, किसी की छवि खराब करने की, लेकिन जनता सब समझती है जिस तरह से झारखंड में और सब जगह लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुक्की खानी पड़ी, जो आधे किए थे 400 पार का मुकाबला हुआ, दूसरे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, उस तरह से विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हादसा हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए और नेताओं से जो भी है उस तरह से सामना करना चाहिए, ना कि बैकडोर से इस तरह से परेशान करके आप सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी मांग ये कह रही है कि राहुल गांधी एक झूठ बोल रहे हैं, वो एक कंस्टिट्यूशनल पूछते हैं, उन्हें बताना चाहिए और उन्हें बता रहे हैं कि ईडी रेड डालने वाली। देखिए, अगर ये बात है तो भाजपा के भी कई बड़े नेता जो सांसद भी हैं लगातार ईडी अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि अमुक दिन ईडी छापेमारी करने वाली है, इस पर ये कार्रवाई करने वाली है, ये करने, तो उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो उन्हीं सूत्रों से इनको भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो उनसे तो सवाल नहीं किया जाता भाजपा के नेताओं से कि आपको कैसे पता चला, आप कैसे पहले से ट्वीट कर रहे हैं। उधर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी राहुल गांधी के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है, बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। हमारे साथ झारखंड से सांसद सुखदेव भगत सिंह हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। राहुल गांधी ने कल रात को ट्वीट किया और कहा कि ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है, जिस तरह से उन्होंने संसद के भीतर चक्रव्यूह वाला बयान दिया, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं और लगता है आपको कि ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी पे होगी?
मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, महाभारत के में जो चक्रव्यूह था वो अभिमन्यु थे, लेकिन अभी का जो वर्तमान चक्रव्यूह में जो अगर अभिमन्यु ने राहुल गांधी जी अर्जुन है, और निश्चित रूप से वो सारे जो जो जिसे कहा जाए कॉबवेब, जो एक मकर जाल जो उन्होंने बुन कर रखा है, वो सारे उसको ध्वस्त करेंगे राहुल गांधी जी। एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूँगा, क्या मोदी जी ये समझते हैं कि इन ये सारी चीज़ें जो एजेंसी है जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार, इन बातों को आज से नहीं सारे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और तो और इस प्रकार के अगर जो संवैधानिक संस्थान है उनका अगर इस प्रकार दुरुपयोग किया जाए तो जनता इन चीज़ों को देख रही है। यही एक कारण है अब की बार 400 पार का जो उनका नारा था 240 में सिमट गए, और ये मैं कह सकता हूँ कि उत्तरोत्तर ह्रास का ये एक द्योतक है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी की पोजीशन में बैठे हुए हैं, इस तरह के बयान देके वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की मांग भी है कि राहुल गांधी को सदन के भीतर आना चाहिए, और किसने उनको जानकारी दी है उसका सबूत पेश करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर आपको इसका आशंका है तो उन्होंने आशंका जाहिर की है, उन्होंने क्या कहा, आशंका जाहिर की है, और ये लगातार मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में ये सारी चीज़ें हैं जिस प्रकार वो करती है। आपने हेमंत सोरेन जी का मसला हमारे झारखंड में आपने देखा होगा, हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, कोई कारण नहीं बनता है, तो ये जो समय है वो कौन लौटाएगा। आपने लगातार देखा होगा, जिस प्रकार मैं आज भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को जितना आप प्रताड़ित करोगे वो सोने की तरह उतना निखर को सामने आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए, साफ तौर पे कांग्रेस के तमाम सांसदों का ये दावा है कि राहुल गांधी को जितना परेशान किया जाएगा उतना राहुल गांधी सोने की तरह खड़े उतरेंगे, और राहुल गांधी डरते नहीं हैं, ये तमाम कांग्रेस के सांसद का कहना है। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है कि ईडी की कार्रवाई उन पे हो सकती है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। लखनऊ में बारिश के दौरान एक